ठंडे वाली थोड़ी है, इतनी महंगी नूर वाली शक्ल नहीं, ये सही नहीं है, फिर ये बाद में नुकसान होगा। टेबल मैट दिखा भाई, चलो टेबल मैट हाँ जी, मैंने अभी जो है अदरक है इनको मैंने काट लिया है, थोड़ा सा बारीक काटा है, मतलब थोड़ा पतला काटा है क्योंकि मशीनें जो है काम ही नहीं करती। और मैंने इसमें डाल लिया थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। अब हम इसे करते हैं ग्राइंड। ये देखिए जी, अब फुल ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम जो है ये देखिए आप जबरदस्त, इससे पता क्या होता है कि टाइम हमारा बहुत बच जाता है। लेकिन ना मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी करती होंगी। अब मैंने जो है इसमें डाल कर फ्रीज कर लूँगी, ठीक है। छील लिया और अब मैं इनमें ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने अदरक का बनाया, अब उसी में ही मैं लहसुन जो है इसमें तकरीबन आधा कप जो है मैंने ऑयल डाल दिया है, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको यकीन पता होगा, बहुत से मेरी बहनें इस्तेमाल करती होंगी, इनको 2-3 माह कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये हमारे इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में आपको पता चीज़ें ज़्यादा बनती है, तो 1 माह में इंशाल्लाह ख़त्म हो ही जाएगा। चलें जी, हम इसको अब ग्राइंड करते हैं। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पेस्ट बन गया है, ठीक है। अभी हमारा कितना टाइम बच जाएगा रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहुत ही प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको सबको खुश और आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं आई हुई हूँ एक शॉप जहाँ पर मैं बहुत सारी कुकीज़ और कैंडी और बंटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खरीदूँगी। मैं हर रमज़ान शरीफ में जो चांद रात होती है ना, तो मैं बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे से पैकेट्स बनाती हूँ, मतलब सारी चीज़ें रखती हूँ। वो आपको एंड में इसका लुक भी नज़र आ जाएगा। तो मुझे बहुत पसंद है बच्चों को ये देना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे जो है मुझसे वो चीज़ लेके हंस मुस्कुरा रहे होते हैं, तो वो खुशी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं जो है ये मतलब जो पेज है मैं ये प्रिंट करवाती हूँ, कलरफुल पेज, और बहुत कुछ ऐसे करती हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है चांद रात को रूम को डेकोरेट करना भी बहुत पसंद है, और इस तरह बच्चों के लिए चीज़ के पैकेट्स बनाना, और इस तरह से ड्राइंग और चीज़ें जो हैं ये जो है मैं सारा काम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन हर रमज़ान शरीफ करती हूँ, और बच्चों को भी बड़ा इंतज़ार रहता है कि आंटी आप कब हमें देंगी। वैसे इस दफ़ा मैंने कहा कि यार बड़ा महंगा हो गया, हर चीज़ बड़ी महंगी है, मैं तुम लोगों को ईदी नहीं दूंगी। तो सारे बच्चे लड़ रहे थे ये कोई बात है कि आप चीज़ हमें दे ना दें, ईदी तो हम लेंगे क्योंकि ईदी तो हमारा हक है, एक साल में एक बार तो लेते हैं। मैंने कहा हाँ वैसे यार ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा चलें जी, ईदी का तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम जो है अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। मतलब अब मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ, मैं रमज़ान शरीफ से ना 10-12 दिन पहले ही काम स्टार्ट कर लेती हूँ। मतलब पहले मैं जाके थोड़ी सी चीज़ लेती हूँ, फिर नेक्स्ट चक्कर में दोबारा चीज़ लेती हूँ, फिर उसके बाद ये मैं इस तरह से जो पेज हैं उनको प्रिंट करवाती हूँ, फिर उनकी कटिंग करती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इसमें, बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियाँ होती हैं। मतलब जब बच्चे खुश होते हैं तो मुझे देख के अच्छा लगता है, और इस तरह बड़ों में भी बच्चों में सब में प्यार और मोहब्बत पैदा होते हैं। चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है, ना ही इनकी इतनी कोई प्राइस होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें खुशियाँ बहुत होती हैं, एक गैदरिंग होती है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी होती है कि बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चांद रात आएगी और कभी हमें इस किस्म का गिफ्ट मिलेगा। आपको पता है आजकल जो है बच्चे वो वैसे ही 100 रुपीज़ की चीज़ तो डेली खा ही लेते हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ छोटी छोटी खुशियों की बात है। तो ठीक है, ये जो है यहाँ पे सारे ही बच्चे बैठे थे, हम सब मिलजुल के ये सारा काम कर रहे थे, पर बच्चों की दिली ख्वाहिश थी कि वो सारी चीज़ें लेके भाग जाएं, पर मैंने उनसे कहा बेटा सब्र। तो इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ पर कल चांद रात होगी, यानी कि ये मेरा व्लॉग सुबह अपलोड होगा और इंशाल्लाह शाम को जो है हमारा रात को रोज़ा होगा, पहला हमारी कल रात पहली सहरी होगी, और ये सुबह मैं अपलोड इंशाल्लाह सुबह उठते ही कर दूँगी। और वैसे कल सुबह उठते ही मैं ये अपलोड करूँगी, और शाम को जो है मेरा जो चांद रात वाला है बच्चों को देते हुए और रूम को डेकोरेट करते हुए वो वाला व्लॉग मैं अपलोड करूँगी,
कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं इतनी बिजी थी रमज़ान शरीफ की ग्रोसरी, घर की क्लीनिंग और इन कामों में। उफ, ये और बात है कि किचन की चीज़ें सेट करते करते किचन फिर वैसा हुआ पड़ा है। हमारे भी कोई हाल नहीं है और किचन के भी कोई हाल नहीं है, हर वक्त काम 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 काम। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। मुझे बस इन शॉर्ट यही अच्छा लगता है कि बच्चे खुश हो रहे हैं, तो बच्चों को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। चलें जी, और आप बताइए कि सबकी रमज़ान शरीफ की तैयारियाँ कैसी हो रही हैं। सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान शरीफ मुबारक, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, अल्लाह ताला हम सबको नेक और नमाजी बनाए, हमारी औलाद को नमाज का आदि बनाए, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, नेक अमाल करने की तौफीक दे। और मेरे व्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा। आजकल मेरे व्लॉग पे किसी के कोई ख़ास कोई ना ही कमेंट होते हैं ना ही, मतलब बहुत सारे लोग शायद नहीं देख रहे। चलें जी, मैं क्या कह सकती हूँ, मर्ज़ी हर किसी की, कोई नहीं आना चाहता हमारे चैनल पे तो हम क्या कह सकते हैं, बस कह ही सकते हैं एक बार के दिल करे तो व्लॉग देख लिया करें। बड़ी मेहनत होती है, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है, हमें लगता है कि यार हमने व्लॉग अपलोड किया अब तो सबको इतना अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहरहाल आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जिसके व्लॉग देखो, जिसके ना देखो, जिसको आसमान पे चढ़ा दो, जिसको ज़मीन पे गिरा दो, तो ये हमारी पब्लिक की मर्ज़ी होती है। तो ये देखें, ये हम चीज़ें जो हैं इसकी पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चे मेरे सर पे बैठे थे, मुझे कहते कि इसमें फ़लाँ जो चॉकलेट है तो इस पर आपने मेरा नाम लिखना है। खैर फिर मैं नेम्स की भी कटिंग करती हूँ, वो भी नेम्स भी लिखती हूँ, मतलब यानी बड़ा कुछ करती हूँ मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये बैठी मैं बना रही हूँ, मेरे साथ और बच्चे भी सब ही हेल्प कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह कल जो है हम रूम की डेकोरेशन वगैरह दिखाएंगे, तो आज मैं आपको बस ये दिखा रही थी मेकिंग, कि इनकी मैं मेकिंग किस तरह से करती हूँ। मेरे साथ बच्चे भी हेल्पर होते हैं, ऐसा नहीं है मैं अकेली लगी हुई हूँ, बच्चे हेल्प करवा रहे होते हैं। तो बच्चों को भी बड़ी खुशी होती है, इन छोटी छोटी खुशियों में मज़ा आता है। और हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान शरीफ इसके रोज़े नसीब फरमाए, मेरी दिली दुआ है। और आप सबसे एक दिली रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ यार मेरे व्लॉग देखा करो, और रमज़ान शरीफ में थोड़ा सा व्लॉग में लेट हो जाए, ठीक है ना, तो आप लोग ये नहीं समझेगा कि मैं नहीं देखूंगी। थोड़ा सा बात है, आपको पता है, जाहिर सी बात है, ये एक महीना है जो बहुत अच्छा है और इबादत का है, यकीनन सारे महीने बेस्ट हैं, लेकिन इस महीने में थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। इसलिए अगर किसी के व्लॉग देखने में थोड़ी सी देर सवेर हो जाए तो कोई ये नहीं सोचना कि मैं छोड़ के कहाँ चली गई हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बगैर कुछ नहीं हूँ। आप लोगों का भी साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मेरे साथ की आपको ज़रूरत है, मुझे भी आप सबके साथ की ज़रूरत है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर बताइएगा कि मैं जो ये बना रही हूँ या ये करती हूँ आप सबको कैसे लगी, और आप लोगों को भी करना चाहिए, बच्चों को खुश करना चाहिए, बच्चों की खुशियों में बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बच्चे हमसे खुश हो जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात है। तो मुबशिर आपने सोना नहीं, उठ जाओ।